प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार व आप देख रहे हो स्वामी दयानंद प्राकृतिक चिकित्सालय का चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि कुत्ते के काटने का कैसे हम बिना रेबीज वैक्सीन के इलाज कर सकते हैं। तो ये तो आम ही है कि अगर भारत में आप कहीं रहते हो तो आपको कहीं ना कहीं कोई कुत्ता काट सकता है, तो उसका कैसे इलाज किया जाना चाहिए अगर आप इसको रेबीज की जो वैक्सीन है उसके बिना करना चाहते हो। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि लुईस पाश्चर ने 9 जुलाई 1885 में रेबीज की वैक्सीन बनाई थी। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है, क्या उससे पहले कोई इलाज नहीं था कुत्ते के काटने का? लाखों सालों से भारत का यह देश है वह इसमें ऋषि मुनि थे जो जंगलों में रहते थे, वहां तो जंगली कुत्ते भी होंगे, भेड़िया भी होंगे, तो कैसे इलाज होता होगा? तो यह सबसे बड़ा झूठ है जो लुईस पाश्चर व उसकी टीम ने बनाई और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसको प्रमोट कर रहा है कि कुत्ते के काटने का ये हमारे पास जो वैक्सीन है इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, तो आपको वैक्सीन लगानी चाहिए। तो हमारे ऋषि मुनि इनसे भी पहले हुए, ये हुए थे मिस्टर लुईस पाश्चर फ्रांस में। वहां जंगल होते हैं क्या? वहां तो साल साल ही सर्दी होती है, तो जंगल कहां होंगे? तो इतने खतरनाक जो भारत में है कुत्ते वहां तो नहीं होंगे, इसके अलावा और जंगली जानवर भी होंगे मांसाहारी, तो यह बिल्कुल झूठा है। उस टाइम उसने 14 इंजेक्शन लगाए थे रेबीज के जो उसको लेके, बट अब नेचर का नियम सुन लीजिए, जो लाखों सालों में भारत के लोग इस्तेमाल करते थे 1885 से पहले भी यूज होता था, उसके बाद इंजेक्शन इंजेक्शन इंजेक्शन, भाई हमारे पास वैक्सीन है, पहले 14 वैक्सीन आई, अब 5 वैक्सीन बना दी हमने। ओके, तो यह हमारे ऊपर जो नियम है नेचर के उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेचर का नियम क्या है? ऑलरेडी बॉडी में इनफ एंटीबॉडी होती है, ऑलरेडी बॉडी में इनफ एंटीबॉडी होती है, कोई भी जानवर जीव जंतु काटता है तो उसके प्रति उसकी रक्षा करनी है। रेबीज वायरस को किल करने के लिए। ओके, एग्जांपल मैं बता देता हूं, चाकू आप यूज करते हो, यह चाकू, अब इससे आप सब्जी भी काटते हो, बहुत सारे लोग अपने डिफेंस भी करते हैं, बहुत सारी तलवारें होती थी पहले। ओके, तो जो ह्यूमन का ब्रेन है वो कहता है ये खुंडा हो गया, आप ये सब्जी नहीं काटता, एक मशीन बना दी जिसके ऊपर पत्थर होता है, पहले पत्थर पे घसाते थे तो यह फिर तीखा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? वो तीखा करना क्या एंटीबायोटिक है, एंटीबॉडी हो गया इसका, मीन्स जब ये तीखा हो जाएगा ये एंटीबॉडी हो जाएगा। ये किसने खोजा? ये ह्यूमन बॉडी ने खोजा, उसके ब्रेन ने खोजा कि ये खुंडा हो गया है, अब इसको एंटीबॉडी लगाएंगे और ये तीखा हो जाएगा। बट अब मैं, मेरा क्वेश्चन है, ये बॉडी जो बनी हुई है, मेरी बॉडी और कुत्ते की बॉडी, ये दोनों के अंदर एंटीबॉडी बनाया किसने? कुत्ते ने अपनी डिफेंस करनी है तो उसने काट लिया, विष दे दिया, अब उसका एंटीबॉडी ऑलरेडी मेरी बॉडी में होना चाहिए, क्योंकि गॉड बिलियंस ब्रेन का भी बाप है, अगर मैं ह्यूमन के बिलियंस ब्रेन भी जोड़ दूं तो उससे भी बड़ा है परमात्मा, क्योंकि वो क्रिएटर है ह्यूमन ब्रेन्स का। अभी तक जो भी इन्वेंशन हो गई, जो भी अभी तक हम रोबोट्स बना लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आ गए, जितना भी खोज अपने ब्रेन से ही करते हैं, तो उससे भी बड़ा ब्रेन ऑलरेडी जब उसने क्रिएट किया, कुत्ते को बनाया और इंसान को बनाया, दोनों में एंटीबॉडी बना दिए कि अगर वो काटता है, कभी कभी इंसान भी पागल होकर काटने लग जाता है और कुत्ता भी काटे तो दोनों की डिफेंस है, क्योंकि दोनों ही बच्चे हैं उसके।
ओके जैसे ह्यूमन बॉडी को कोई इन्वेंशन करनी होती है तो वो तीखा कर देता है इसको, ऐसे ही परमात्मा ने हमारे अंदर पहले ही एंटीबॉडी बना दी है। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए अगर आपने ठीक होना है। तो आइए एक स्टोरी मैं बताता हूं, वो मेरे पिताजी की है जिनको किया तो परमात्मा ने है ठीक, तो कुछ नेचुरोपैथी का इसके ऊपर नियम लागू किए गए थे। तो मेरे पिताजी को जो है कुत्ते ने काट लिया 3/3/2024। मैं बाइक चला रहा था तो कुत्ते का बच्चा आगे आ गया। अब आगे आ गया तो उसने तो चीख लगा दी, वो अब उसकी मां थी तो उसने ना कुछ देखा ना कुछ सुना, उसने मेरे पापा को मेरे पिताजी को काट लिया। दैट इज लॉजिक के मींस उसके बच्चे को कोई या कोई डिफेंस चोट लगी है तो उसका उसने वेंज या जो भी बदला वो ले लिया। चलो मेरे पिताजी को अब कुत्ते ने काट लिया है, दो बाइट्स उसके लातों में लग गई थी। ओके तो उसकी स्नैप भी मैं आपको लगा दूंगा, मेरे हिसाब से 10 दिन बाद की है या 5 दिन बाद की है। ओके उसके बाद इसको नेचुरोपैथी से उस परमात्मा के नेचर से मैंने हील किया, कोई भी रेबीज वैक्सीन नहीं लगाई और आज मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। आप उनका जो फुट है स्क्रीन शूट मैं यहां दे दूंगा, उसमें देख लीजिए। ओके फोन पे बात करना है, वीडियो टॉक करनी है, व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो मेरे पिताजी से। तो जो जो मैंने किया वो मैं यहां आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए अभी 3/4/2024 एक महीना लगा था, फादर ने कोई वैक्सीन रेबीज वैक्सीन नहीं लगाई क्योंकि मेरा जो सिद्धांत है वो नेचर के साथ है। अगर मैं अपने पिताजी को उस परमात्मा की नेचर से ठीक कर सकता हूं तो आप भी ठीक हो सकते हो अगर आपको कुत्ते ने काट लिया। तो उसमें जो जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स क्या है, जख्म को साबुन से ना धोएं। मैंने अपने पिताजी के जो जख्म हुआ था उसको साबुन से नहीं धोया था। ओके तो आपने धोना किससे है, गौमूत्र या फिटकरी के पानी से धोना है। सबसे बड़ा एंटीबायोटिक जो है गौमूत्र है, फिटकरी का पानी है। एक और लगा सकते हो इसमें, आप नीम का पानी उबाल के उसको भी लगा सकते हो, फिटकरी का पानी भी उबाल सकते हो, नीम का पानी भी उबाल सकते हो, उससे धो सकते हो। ओके तो ये 3 चीजें हो सकती हैं। उसके बाद जख्म पर लाल मिर्च लगाना, पर पिताजी कहते हैं मुझे बहुत जलन होगी, तो मैंने कहा तो बहुत सारे परमात्मा ने और भी दिए हैं इसमें सिस्टम, तो मैंने हल्दी अजवाइन फिटकरी का पाउडर लगाया। अगर आपके पेशेंट या आप में विल पावर ज्यादा है आप तो मिर्चें लगा लीजिए, तो वो कुछ तीखी है तो बहुत छेती असर करेंगी। ओके और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, 3 या 4 दिन में असर होने लग जाएगा जख्म का। तो मैंने ये तीनों चीजें हल्दी फिटकरी और अजवाइन इनका पाउडर बना लिया, ये लगा दिया। ओके हल्का सा तेल लगाना है, लगा दो, नहीं लगाना तो ना लगाइए। ओके अगर वहां चिपक जाए। उसके बाद जो मैंने किया अंदर के विष को, जैसे कोई जीव जंतु जानवर चक लगाता है दांत लगाता है उसमें विष होता है, इस महाशय ने खोज लिया कि भैया ये तो रेबीज ही है, ये वायरस है, यही आपको हाइड्रोफोबिया बना देगा, और हम इसको एक नाम दे दिया विष। ओके नेचुरोपैथी में किसको क्या कह दिया, विष। ओके तो ये विष को कैसे खत्म करना है, विष को खत्म करने वाली तो हमारी देसी गाय माता है। तो आपने क्या करना है, देसी गाय का देसी घी ले लीजिए 2 चम्मच। ओके उसमें 1/2 चम्मच डाल दीजिए काली मिर्च। ओके चाहे दिन में एक बार चाहे दिन में 2 बार जैसा विषय है वो उनको खिलाइए। तो मैंने भी अपने घर की देसी गाय का दूध निकाला, दही जमाया, उसका मक्खन निकाला, उसका देसी घी निकाला और उसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च लगभग डाल के उनको पिताजी को खिलाना स्टार्ट कर दिया। 4-5 दिन में उनका सारा विष वो खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया, जो एंटीबायोटिक थी वो भी काम करने लगी फास्ट। उसके बाद पिताजी को मैंने फल खिलाए, आप भी ज्यादा से ज्यादा फल खाइए। पिताजी खाते नहीं है नॉन वेज एग्स फिश, तो ये आपने नहीं खानी क्योंकि ये जो फ्रांस जिसकी बात कर रहे हैं 9 जुलाई 1885 वहां के लगभग लगभग वो जो समुद्र के किनारे ये सब मांसाहारी है,
यहां से बीफ जाता है यूरोपियन कंट्रीज को, तो वो उनकी इम्यूनिटी तो अंदर से वैसे ही कम है, शाकाहारियों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो भारतीय 100% शाकाहारी थे। ओके, तो ये मत खाइए अगर आप खाते हो। अब धीरे धीरे मांसाहार का चलन बढ़ गया है, तो उसको हटाइए, उसको हटाना है मेन। ये वैक्सीन नहीं लेके आनी। उसके बाद दो चीजें हैं, कुत्ते के काटना और सांप के काटने पे दूध नहीं पिलाया जाता। दूध मत पिलाइए, देसी घी मैंने कह दिया, लस्सी पिला सकते हो, देसी घी और काली मिर्च डाल के वो खिलाइए। ओके, देसी गाय का जो नियम थे नेचुरल वो बता रहा हूं। उसके बाद है हल्दी को बॉइल वाटर में डाल के आधा चम्मच या एक चम्मच वो डेली खिलाइए, इम्यूनिटी और बढ़ती जाती है। ओके, जब बिल्कुल ठीक हो गए हो जाए उसके बाद दूध के साथ हल्दी डाल सकते हो। तो यह है 7 चीजें, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और 1 महीने में उनका जो जख्म था टोटली हील हो गया, कोई सिम्टम नहीं है। आप गूगल में, आप यूट्यूब में सर्च मारोगे क्या सिम्टम है भाई कुत्ते के काटने पे, बहुत सारे सिम्टम उसमें होगा, हाइड्रोफोबिया कि पानी से भी डर लगता है। तो पिताजी रोज पानी पीते हैं, मटके का जल पीते हैं, एंजॉय करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इलाज कर सकते हो। तो यह भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है विदेशी कंपनियों का, विदेशी फार्मास्यूटिकल कंपनी का और विदेशी अंग्रेजी दवाइयों का, उनके इंजेक्शंस का, उनकी वैक्सीन का, क्योंकि इनकी तिजोरियां इनसे भर रही हैं। तो आप अपने नेचर को जोड़िए। और मेरे पिताजी स्वस्थ हो सकते हैं कुत्ते के काटने में, और अगले दिन हम उस कुत्ते को दूध पिलाने में गए। 99% कुत्ते पागल नहीं होते, वो किसी गले में होते हैं, वहां के लोग उनको दूध पिलाते हैं। तो ही इज वेरी स्मार्ट, जो डॉग है बहुत समझदार है, वो ऐसे नहीं काटता। और काटा है तो गलती एक्सेप्ट कर ली हमने कि भैया आगे से 10 कदम 20 कदम दूर से ही ब्रेक लगा देंगे, कुत्ते के बच्चे को चीक लगाने की जरूरत ना पड़े। तो आप भी गलियों में जाइए, कुत्तों को लव कीजिए। कुत्ते डॉग इज द पार्ट ऑफ अवर इकोसिस्टम, बहुत बड़ा फ्री में चौकीदार है हमारे गली में। ओके, तो उसका इलाज कर लीजिए, अगर काट भी लिया है तो भी उसको दूध पिलाइए आप, तो उसको आपने हेल्थी बनाना है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ओके, 99% कुत्ते पागल नहीं होते, एक बार फिर कह रहा हूं। तो एक बार फिर मैं सिस्टम बता देता हूं आपको। रेबीज वैक्सीन नहीं लगानी, पहला काम हो गया। उसके बाद उसको साबुन से, जो जितने भी एलोपैथी डॉक्टर, साबुन से धो दो और पका दो उसको, उसमें केमिकल है, कास्टिक सोडा है, उसको हटाओ उसको भाई। हमारे पास गौमूत्र है, फिटकरी का पानी है, हमारे पास नीम को बॉइल करके उसका पानी है, उससे साफ कर लीजिए। ये सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है, लाल मिर्च एंटीबायोटिक है, एंटीवायरस है। हमारे पास लाखों सालों से लोग लाल मिर्च डालते थे उस जख्म पे, उसको पट्टी डाल देते थे। ओके, उसका पाउडर लगा देते थे। उसके बाद वहां जहां गली है, उस गली से आप नहीं जा सकते, वहीं गली से ले लीजिए जहां पे कुत्ता रहता है। ओके, उसके बाद अगर ये नहीं लगा सकते लाल मिर्च, अजवाइन का आपका हल्दी और फिटकरी आपके घर में, उसका पाउडर लगाते रहिए, लगाते ही जब तक ठीक नहीं होता। ओके, उसके बाद देसी गाय का 2 चम्मच सुबह और शाम ले सकते हो, और उसमें आधा चम्मच काली मिर्च डाल के खिलाइए। 2 की जगह पे 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं करता। उसके बाद 5 दिन विष खत्म, फल ज्यादा से ज्यादा खिलाने हैं, सुबह शाम फल खिलाइए। तो मैं भी पिताजी को सुबह शाम फल खिलाता था, दूध पिला नहीं रहा था। ओके, मिल्क नहीं पीना, मैंने कह दिया, नॉन वेज एग्स फिश नहीं खाना, हल्दी को बॉइल पानी में उबाल के पिला देना है हल्का ठंडा करके। तो यह इलाज है। अगर किसी भी बीमारी का आपने मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9358 34925 9352 34925। इंडिया से बाहर है +91 लगा दीजिए। अगर कोई और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए इस वीडियो से संबंधित। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू।